तो प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और मेरे प्यारे से बच्चे होंगे, क्लास सिक्स के होंगे, जिनके लिए लेक्चर शूट हो रहा है। और उम्मीद करता हूँ बच्चे मेरे जो भी टॉपिक सबको पढ़ाए गए हैं इसको आप रिविज़न करते होंगे। ये लेक्चर नंबर 3 आपको दिया जा रहा है और ये बोर्ड की दृष्टि से, और कोई बच्चा CBC बोर्ड से है और केंद्रीय विद्यालय से, जो भी आपके बोर्ड्स हैं सबके लिए ख्याल रखा गया है। इसमें हम बिहार बोर्ड के सारे लेक्चर्स कवर करने वाले हैं। इसमें CBSE बोर्ड के 90% सिलेबस कवर किया जाएगा, और जो मैं 10% छोड़ रहा हूँ वो बच्चे खुद से बना सकते हैं, क्योंकि आपके सारी चैप्टर के लगभग मैं क्वेश्चन लाऊंगा। कुछ चैप्टर आपके जो भी होंगे बना के देखिएगा, आपसे सारे बन जाएंगे। ओवरऑल बोला जाए तो आपके 100% तैयारी कराई जाएगी, इतना भरोसा रखना है। तो लेक्चर नंबर 3 शुरू करना है। तो प्यारे बच्चों से मैं क्या बात कर लूँ कि आप लोग अब तक क्या क्या पढ़े हो, तो जो भी आपने पढ़ा हो मैं कहूँगा बच्चे कि आप जो भी लेक्चर देखें उसके नोट्स को एक बार थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज कैसे करना है, आप नोट्स को अपने पलटिए, देखिए उसमें आपने क्या क्या पढ़ा है, उससे सब रिलेशन से एक एक टॉपिक से क्वेश्चन बना दें, ताकि आपके वो पिछली बातें याद रहे। ऐसे में एक बार आपको दिखा देता हूँ अपने नोट्स को। हमने पढ़ा था न्यूमरेशन, नाम रखना, और इंडियन और इंटरनेशनल दोनों का नाम रखा था, ठीक। इनमें कोमा कब कब लगता है इसके भी नियम सीखे थे आखिरी लेक्चर्स में। फिर प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है, हमने इनको भी जाना था। और उसके बाद बच्चे जी हम लोग बात किए थे लगभग असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, इन सब की बातें हुई थी, मैं वो भी थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको। और उसके आगे और संख्याओं का नाम हम लिखना हमने पढ़ा, ओके। तो लगभग आपका ये सब बातें हुई थी। और हमने यूनिट का भजन सीखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चा जी आपके लिए, कि आप किसको केजी में से जाने, केजी में कितने ग्राम होते हैं, ग्राम से केजी में जाने के लिए आप क्या करते थे, ये आपका लिए आपके लिए बच्चे जी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड था। इसको आप जरूर अच्छे से याद रखिएगा। आप जब बड़े हो जाएंगे थोड़ा सा, सेवन में जाएंगे, एट में जाएंगे, बड़े क्लास में जाएंगे आप, तो यूनिट क्रमश डायरेक्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन में। तो हाँ, कुछ बच्चे घबराते हैं ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, चलिए। और क्या था उसके आगे, हाँ वही, और हमने वही कन्वर्ट करना सीखा था। इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको कराए थे। अगर आप बोले तो बच्चे यूनिट कन्वर्जन आपके हो चुके थे लगभग, हाँ हो गए थे। और हमने एक आखिरी चीज़ सीखा था बच्चे, राउंड नियरेस्ट नंबर, संख्या के नज़दीक में कौन सा नंबर है, हमने इसको भी सीखा था। तो लेक्चर नंबर 3 अपने यहाँ शुरू हुआ, और कुछ मैंने होमवर्क दिए थे, तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने बना लिया होगा। आप अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, कोई भी डाउट आता है तो ज़रूर पूछिएगा। ऑफलाइन के छात्र हैं तो आप ज़रूर क्लास में सर से पूछिएगा, हमसे जरूर पूछिएगा क्लास में बच्चे। ऑफलाइन वाले बच्चे आपको जरूर बताया जाएगा, और मेरे ऑनलाइन के भी छात्र हैं तो आप बिल्कुल मेरे ही अपने छात्र हैं, मेरे प्रिय भाई हैं, मेरे बहन हैं। आप ज़रूर से जो भी डाउट होगा कमेंट में डालिएगा, उसको मैं मेंशन कर दूंगा अगले लेक्चर्स में, ओके। चलिए, या मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा उस पर आप ज़रूर से विजिट कीजिएगा, जो भी डाउट होंगे भेजिएगा, उसको हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो हो गया इंट्रोडक्शन, हो गया रिविज़न, हाँ सर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे बच्चे रोमन अंक के बारे में, कि रोमन संख्या क्या होती है सर, ठीक है। तो देखो बच्चे जी, रोमन अंक भी आपको सिखाऊंगा, तो पहले देखिएगा इसको लिखने के रूल्स क्या है। तो इनके रूल्स ऐसे हैं बच्चा जी, थोड़ा पहले समझिएगा तो लिखना बाद में, पहले समझना आपको। मैंने कहा कि संख्या लिखने में अंक अगर 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक, यानी 0 से लेकर 9 तक आएंगे, तो इनका उपयोग किया जाता है। और इन्हें हिंदू अरबी अंक पत्ति भी कहा जाता है, इन्हें हिंदू अरबी अंक पत्ति भी कहा जाता है, ठीक है सर। अब बात करेंगे हम बच्चे जी रोमन अंकों को, इनका विकास जो हुआ था बच्चे जी, इनको जो डेवलप किया गया था प्राचीन रोमन लोग थे उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। और उन्होंने घड़ी की संख्याओं का अध्ययन, की अध्यायों की संख्या कक्षा में अंक रैंकों को दर्शाने के लिए करते थे। जिस किसी का रैंक आया 1, 2, 3, 12th, जो भी रैंक आया इसको वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये था कुछ बेसिक सी खट्टी मीठी बातें, कहानियाँ जो आप जान गए। अब आपको रोमन अंक के बारे में कुछ समझ लीजिए। 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। उसके बाद बचाइए 50, 100, 1000 को आप किस लिए एम से डिनोट कीजिएगा, 500 को डी से, 100 को सी से, और 50 को एल से। इन्हीं संख्याओं के बदौलत आप कोई भी रोमन अंक लिख सकते हो, हाँ
बिल्कुल बच्चा जी, थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना है, कुछ मैं नियम सिखाने जा रहा हूँ, इस नियम को आपको पालन करना होगा, इस नियम को आपको याद करने होंगे। तो याद करते कैसे होगा, कुछ प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिए, मैं अभी कराने का कोशिश करता हूँ, आपको अभी हो जाएगा। चलिए, पहला नियम क्या है, नोट ओनली मैंने बोला वन आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड, यही संख्या रिपीट होता है, वन टेंथ सी हंड्रेड और थाउजेंड, यही संख्या को रिपीट आप कर सकते हैं, बाकी आप बी एल एम एन डी को नेवर रिपीटेड, इसको दोबारा नहीं लिख सकते हो, को इतना ही बड़ा नंबर लिखना हो तो। नो सिंबल इन रोमन नंबर थी न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन थ्री टाइम्स, और किसी को हम थ्री टाइम्स तक रिपीट नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपने समझा जी सर। चलिए कुछ नियम सीखा जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपको दो लिखना है, तो आप वन वन लिख सकते हो, वन प्लस वन टू हो गया। आपको सर बीस लिखना है, तो आप टेन टेन लिख सकते हो, वो सर बिल्कुल इसको लिख सकते हो। आपको 300 लिखना है 300, तो आप हंड्रेड 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 ऐसा लिख सकते हो, लेकिन और 2000 लिखना है तो m प्लस m लिख सकते हो जाएगा, इनका रिपीट कर सकते हो। और थ्री टाइम्स तक कितने बजे जी, मोर देन थ्री टाइम्स तक आप रिपीट कर सकते हो। चलो अगला नियम, यदि अधिक मान वाली संख्या दाहिने की ओर छोटे मान वाला प्रतीक लिखा हो तो बड़े मान में छोटा मान जोड़ दिया जाता है। जैसे देखेंगे आप, आपको छः लिखना है, आपको लिखना है छः, तो कैसे लिखते हैं भाई, भी पाँच और एक छः। तो इसमें आप क्या किया, आपने क्या कहा कि मैंने बोला कि दाहिने ओर बड़ी अधिक अंक वाली संख्या में दाहिने ओर और छोटे मान वाले प्रतीक लिखा हो तो बड़े मान में छोटा मान जोड़ दिया जाता है। ये बड़ा मान है, ये छोटा मान है, इनको जोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। जैसे एक्स भी वी फॉर फाइव एक्स फॉर टेन, इसमें आप जोड़ देना, ये कितना बन जाएगा, 15 बन गया सर। आप 16 17 18 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए वी ट्रिपल आई है, तो मैंने क्या बोला, ये बड़े अंक हैं, ये छोटे छोटे अंक हैं, इनको आप इसमें ऐड कर देना, तो कितने बन जाएंगे, 5 6 7 8, 111 ऐड किया, वाह सर क्या बात है। चलिए सर रूल नंबर तीन की बात कर लेते हैं प्यारे जी, रूल नंबर तीन की बात हो जाए। इफ अ सिंबल विद स्मॉलर वैल्यू इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, अगर इधर एक स्मॉल जो बाएं तरफ लिखे हैं वो क्या है, छोटी संख्या है, तब क्या करना है, तब कह रहा है बच्चा जी आप जोड़ेंगे नहीं, ग्रेटर वैल्यू देन अगर दाहिने साइड होगा तो आप स्मॉलर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इज ग्रेटर ऑन, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे। नोट मैंने क्या बोला, सॉरी बच्चा जी, आपको यहाँ पर भी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्ट, इसको आप कभी नहीं घटा सकते हो। मैंने बोला उधर छोटी संख्या है, इधर बड़ी संख्या है बाएं दाहिने तरफ, तो घटाने का, लेकिन किसको नहीं घटा सकते हो, आप बी को नहीं घटा सकते हो, एल को नहीं घटा सकते हो, डी को आप नहीं घटा सकते हो, तो सर क्या कर सकते हो। तो देखो प्यारे बालक जी, मैंने बोला कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी ओनली एक्स, ये जब भी बी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो सिर्फ एक्स में से, ये नियम है बच्चा जी, आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे। कैसे याद होगा, परेशान मत होइए, हो जाएगा बच्चा जी, आराम से थोड़ा ध्यान समझिए, कुछ रूल्स हैं, दो चार बार यूज करोगे समझ जाओगे। x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन l, x को कहते कि कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l, x को आप l से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड c से ओनली, l और c से और किसी से नहीं। c कैन बी सब्ट्रैक्ट, c को घटाया जा सकता है किसे, d और m से, ओके। c फॉर क्या बचा जी, 100, x फॉर 10 और v फॉर 5 और l फॉर क्या था बचा जी, 50 था। ये कुछ नियम आपको याद रखने पड़ेंगे, आपने नोट किया इसको, चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, चिंता मत करो। देखो अब जैसे मैंने थ्योरी लिखवाया तो इस पर आधारित आपको प्रश्न भी करवाए जाएंगे। जैसे देखेंगे बच्चे जी, मैंने बोला इधर लिखा है आई भी, क्या लिखा है आई भी, तो बच्चा जी आप क्या करोगे, इधर तो छोटा संख्या है इधर बड़ा है, तो आप इसमें आप ऐड नहीं कर सकते हो। आप कब ऐड कर रहे थे, आप ऐड कर रहे थे बच्चे जी, मैं थोड़ा मार्कर का इस्तेमाल करूँगा, जैसे लिखा था इधर बड़ी संख्या था, दाहिने तरफ छोटी छोटी संख्या था, तो आप क्या कर रहे थे, ये पाँच है, इनको आप जोड़ने का नियम प्रावधान कर रहे थे, तो इसका आप आठ बन जा रहा था। लेकिन इस बार कहानी कुछ ऐसा है, इधर मान लें छोटा संख्या है इधर बड़ा है, तो इधर बड़ा है तो आप इसको बड़ी संख्या में से इसको घटा सकते हैं, आप जोड़ नहीं सकते हैं, तो फाइव में से ये घटा लेंगे तो क्या बन जाएगा, फोर, क्या बन जाएगा, फोर, समझेगा बच्चा जी।
समझ गया प्यारे बालक? हाँ सर, चलो अब चले, अब मैं चलता हूँ। चलिए थोड़ा सा कैमरा सीधा हो जाए भैया। चलो तो क्या बच्चों, मजा आ रहा है? तो आप बच्चे अच्छे हैं तो थोड़ा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा सर के बारे में, जो भी सर के मेहनत पसंद आते हैं। तो देखिए रात के कितने बज रहे हैं? 9। और आप लोग बच्चे जी ऑफलाइन में बताए थे सर आपके लेक्चर्स ख़त्म हो गए हैं, हम क्या करें? तो मैं बोला था बच्चा जी कोई बात नहीं, हम रात में आपके लिए वीडियो शूट करेंगे। दीदी लोग सर साथ नहीं दे रही हैं, दीदी लोग नहीं आ रही हैं, मत आएँ कोई दिक्कत नहीं, भैया हैं, भरोसा करो क्लियर हो जाएगा। बच्चों को अगर मैं बोलूँ अपने कोचिंग में गुरुकुल आश्रम में, अगर बच्चों के लिए कोई करता है, बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ने वाला इंसान कौन है? तो बोलेंगे विकास भैया हैं। बोलते हैं कि नहीं बच्चे दिल से, आपने देखा कभी 3 सालों में आपके लिए मैंने कोई छुट्टी किया हो? कोई दिन हो, संडे हो, मंडे हो, हर दिन आपके लिए पढ़ाया गया। और यहाँ तक कि बच्चा जी मेरा सेहत भी ख़राब रहा, फिर भी मैंने आपके लिए खड़ा रहा था कि नहीं खड़ा था? बच्चों जी ये बच्चों का प्यार है, बच्चों का प्रेम है, और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि मैं बच्चों के लिए कुछ जितना जानता हूँ माँ कृपा से उतना बच्चों को मैं डिलीवर कर रहा हूँ, उतना कंटेंट बच्चों के सामने मैं दे रहा हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है जीवन में। मैं कुछ बड़ा बनूँ या ना बनूँ, ये माँ सरस्वती की कृपा है। जो भी इंसान बन जाऊँ, एक बेहतर इंसान बन के चला जाऊँ, तो भी अपने ज़िंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। सब ये सब बातें क्यों? इमोशन है बच्चा जी, थोड़ी थोड़ी बातें बाहर निकल जाती हैं, कभी कभी आपके ये साथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि अगर सुख है तो आपसे बांटूँगा, दुख है तो भी आपसे ही बांटा जाएगा। चलिए क्या रूल समझ में अपने आया? इधर छोटा है, इधर बड़ा है। मैंने क्या बोला? नेवर, आप ऐड नहीं कर सकते हो, घटा लो, घटा लो। चलो अगर एक्स और एल लिखा है तो आप लिखो, एल से एक्स घटा सकते हैं, बिल्कुल 40 हो जाएगा। सी और डी लिखा है तो आप डी से सी घटा लेंगे, 400 हो जाएगा। सी एम लिखा है तो एम का मतलब 1000 होता है, और सी फोर 100 घटा सकते हैं। आपने देखा जब जब राइट साइड में बड़ी संख्या था, इधर छोटा था, तो आपको घटाना पड़ रहा था। हाँ सर, घटाना पड़ रहा है, कोई डाउट्स? कोई डाउट्स? नो बच्चा जी। चलिए अब देखें सर रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है प्यारे जी, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल्स, इट्स इज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। जो भी न्यूमरल है, संख्या है, इमिडिएटली फॉलोइंग इट। जैसे कहता है कि स्मॉलर नंबर हो, प्लेस बिटवीन के बात कर रहा है, इसमें बीच में बात कर रहा है, जैसे ये बड़ा है, बीच में छोटा है, तो आप बोलता है इमिडिएटली आप किस में से घटाओगे? बड़ी संख्या से ही घटाओगे, इसमें से ही घटाओगे इसको। ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, 10 का 10। आई को घटाओगे भी से, तो भी इसका वैल्यू 1 होता है, इसका 5 होता है, 5 में से घटाओगे 4 होगा, और अब जोड़ दो 4 × 10 = 14। सर 14 ऐसे लिखते हैं? बिल्कुल। आप समझ रहे थे सर रखने वाला चीज़ है? नहीं सर, इसके तो रूल होते हैं ना प्यारे जी। हाँ सर बिल्कुल अच्छे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सुंदर बच्चे हैं। चलो अब देख लो, इनको भी देख लो, सी ऐसे रहेगा, एक्स ऐसे रहेगा, भी के सामने छोटा संख्या आ गया, भी से घटाओगे 10 बचेगा, और सी 100 × 10, और इधर बचेगा आपका 4, यानी 114। ठीक है सर, क्लियर क्लियर क्लियर। अब लिख लोगे ना क्वेश्चन दूंगा तो? हाँ सर, रेडी रहो, सारे कंसेप्ट पढ़ के आप रेडी रहिए, इस पर आधारित प्रश्न आने वाले हैं, फिर मत घबराने का। आ गया क्वेश्चन, कहते कहते आ गया, राइट इन द हिंदू आरबिक न्यूमरल, इसको आप रोमन अंक में लिखिए सर, LXXXIX। क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? 69 79 89 99, जल्दी कर लो प्यारे जी। बच्चे ने कर लिया, चलो आंसर मिलाते हैं। L फॉर 15, X फॉर 10 10 10, इसको ये छोटा है, ये घटेगा इसमें से, तो 9 हो जाएगा ना, तो सर 50 60 70 80, और ये 9 89। किन किन बच्चों का ऑप्शन, किन किन बच्चों का ऑप्शन सी आया, कमेंट जरूर करना सर। मैं इस क्वेश्चन का नंबर देता हूँ 1 नंबर आज के क्वेश्चन का, किन किन बच्चों का 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी आया, जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलो सर अब क्वेश्चन की भरमार होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड, किसको रिपीट नहीं कर सकते हैं? मैंने बोला था 3 संख्या हैं जो रिपीट नहीं हो सकते हैं, BLD नेवर रिपीट। सर कौन को रिपीट नहीं होगा? BLD। ऑप्शन चुन लो, ऑप्शन चुन लो सर। मैंने बोला कि नॉट रिपीट, BLD रिपीट नहीं, तो ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। क्या प्यारे बच्चों समझे? चलो कह रहा है संख्या कि ये जो इसके राउंड में कौन सा नंबर आएगा, इसके नियरेस्ट में कौन सा आएगा, तो देखो पहले, और बोला है 100 तक, कहाँ तक? 100 तक। तो पहले देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार, 100 तक, तो 1 2 3 यहाँ तक आएगा,
मैंने 100 का रूल क्या सिखाया था पिछले लेक्चर्स में, याद करो, तो उसमें सिखाया गया था इसके, इधर देखो ये क्या है, 1/10, ये जो संख्या है 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। 100 तक चेक करना है तो इसको भूल जाइए, इसको बंद कीजिए, ये रहा 100 तक, 100 तक है ये, 1, 2, दहाई वाला अंक चेक करें, दहाई वाला अंक 5 से छोटा है तो ये दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे, तो 17, 800। क्या रूल सिखाए थे सर, याद है बच्चे? बहुत खुश हुआ दिल, बच्चे मेरे पढ़ते हैं अच्छे हैं। रिविज़न कीजिए बच्चे जी, बहुत रिविज़न कीजिएगा, नहीं तो आप चीज़ें भूलना शुरू कर दोगे। चलो, इन रोमन कहते हैं, इन रोमन न्यूमरेशन द सिंबल एक्स बी सेपरेट फ्रॉम, एक्स किसे सेपरेट होता है और सी से, किसे किसे, तो एक्स जो सेपरेट होता है एल और सी से, एल एंड सी से, तो यहाँ पर क्या भर दोगे, एल भर दोगे, क्या भर दोगे यहाँ पर बच्चे जी, एल अब भरोगे। क्लियर है, क्लियर है बच्चा जी? तो बच्चा जी क्या कंसेप्ट चमके आपके, कंसेप्ट चमके आपके? हाँ सर चमके। चलिए अब कर लेते हैं कुछ कुछ और क्वेश्चन, करेंगे ट्रू और फॉल्स, बताइएगा सत्य है कि आपको तो आंसर दिख रहा होगा, कोई बात नहीं सर इसको छिपाएंगे थोड़ा सा, बच्चे मेरे ईमानदार हैं कोशिश करेंगे, आंसर तो आएगा ही आएगा। चलो ट्रू और फॉल्स, कहता द नंबर जो है एल एक्स एल आई भी इज ग्रेटर देन एल वी आई, चलो चेक करते हैं, इसमें से सबट्रैक होगा तो क्या बचेगा, 4 और एल 4 50 तो 54 होगा, ये 54 हो रहा है, ये देखो ये तो सबट्रैक नहीं कर पाओगे क्योंकि इधर छोटा ये बड़ा है, तो ऐड हो जाएगा, ये 56 हो गया, तो सर 56 तो हमें फॉल्स हो गया ना बच्चा जी, ये ग्रेटर तो नहीं हो रहा है, 54 56 से ग्रेटर कैसे हो सकता है, क्या यहाँ तक कंसेप्ट चमका आपका, रोमन अंक चमके क्या? तो सर आपको रोमन अंक तुरंत कराएंगे, और ट्रू फॉल्स आ गया एक। चलो यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई एस्टिमेटेड सम ऑफ इसका, इसका जो एस्टिमेटेड आकलन होगा और राउंड, इसका राउंड ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड तक चेक करेंगे तो क्या इतना आएगा, चलो देखते हैं, और सम भी करना है, पहले इनका बोला कि भाई तो क्या आएंगे, देखो 100 तक इकाई दाई सिकरा, ठीक है सर, तो ये देखेंगे 5 से कम है तो इसको जीरो कर देंगे, तो 7800 हो जाएगा, इसको 100 तक 1, 2, ये 6 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये दोनों इसको ऐड कर देंगे तो 500 कितना हो जाएगा, 500। क्या रूल याद है कि नहीं बच्चा जी? हाँ सर रूल बहुत अच्छे से याद है, 100 तक चेक करेंगे तो दहाई देखेंगे 5 से छोटा है कि बड़ा है, 5 से बड़ा होगा तो इसको बढ़ा देंगे और ये दोनों जीरो हो जाएगा, और ये 5 से छोटा होता तो ये दोनों जीरो होता, ये नहीं बढ़ता, यही रूल है, दोनों को ऐड किया इतना आ रहा है, क्या बोला इतना आएगा, नहीं आ रहा इतना, और चलो नहीं आया, दोनों में अंतर है, 203 नहीं आ रहा, इतना तो कभी नहीं है, इसके बराबर ये नहीं है, और इनको बोला है सबट्रैक भी करना है नियरेस्ट, अच्छा इसके नियरेस्ट दोनों को ऐड कर लेते हैं हम, दोनों को ऐड करने पर कितना आया, 20 300, और ये कितना है बच्चे जी, 20 300 इकाई दहाई से 1010 ऐड किया जाए क्या दोनों को, 0 0 8 13 7 2 1 10 1 2, ठीक है, अच्छा 100 जितना, तो ये तो ट्रू आ रहा है ना बच्चा जी, ये तो बराबर आ गया, ये फॉल्स नहीं, ये तो ट्रू आ गया पूरा पूरा, देखो ऐड करने पर, इनको इनको ऐड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, पूरा इतना जा रहा है, तो इतना रहेगा, हाँ बिल्कुल, इस कथन को बोलोगे ये ट्रू है, ये क्या है भाई जी, सॉल्व करने के बाद यहाँ लिख देना ट्रू, लिखा भी गया है ट्रू, ये सत्य है, ये सही हो रहा है, जो भी क्वेश्चन लिखा गया इसको जो सॉल्व किया गया तो जो वैल्यू मांग रहा था वो पूरा पूरा मिला। चलिए अगले क्वेश्चन, कहते हैं कि राइट द राइट इच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंदू अरबिक, या वही रोमन अंक में लिखना है, एक बार इनको एक बार इनको, ट्राई करो, अभी सिखा दिया हूँ, जल्दी से ट्राई करें बच्चे, वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे, भाई डरना मत, डरना क्या है, आप अच्छे हैं बच्चे हैं, आप बहुत बहादुर हैं मेरे हिसाब से, आप सेहर हैं, अब बच्चे मेरे डरेंगे क्यों, क्या होगा बच्चा जी, खूब से खूब गलती होगा, सर क्या बताए थे, पेंसिल लीजिएगा, पेंसिल से इनका लिखो इनका लिखो, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे आप 90% बच्चे अच्छे लिख देंगे, 1-2% से बच्चे से गलती भी हो जाता है तो क्या हो गया, गलतियाँ तो आज हमसे भी कभी कभी होती है, नो टेंशन, मैं नहीं डरता हूँ तो मेरे साथ ही मेरे बच्चे कैसे डरेंगे, बिल्कुल नहीं, नहीं डरना है, ट्राई करो, बना लिया अपने आंसर, मैच करते हैं, चलो चलो हो गया, हो गया, आप इनका इतना रहा था और इनका इतना आया, क्या आप भी इतना ही कर रहे थे, 166 और 226 आया था बच्चा जी आपका, आया था सर, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अब इस पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं
इनको मैं करा लेता हूँ पहले आपके बिहार बोर्ड में। तो देखना अब बिहार बोर्ड में जाके देखना बच्चा जी आपके कहाँ पर मैंने बोला 29 ठीक है। चलो कुछ देखो रोमन अंक आपका भी यहाँ सेशन दिया गया है। अब मेरे बच्चे जो भी होंगे अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, यहाँ से जो भी बातें लिखी गई हैं हिंदी में लिखी गई हैं पढ़ लीजिएगा। अच्छे बच्चे हैं आप, सुंदर बच्चे हैं, पढ़ लीजिए इसको, पढ़ लेना। कुछ बातें आपको जो भी सिखाया वो सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। पढ़ ली बच्चों ने, पढ़ ली बच्चों ने बातें, हाँ सर बच्चों बहुत अच्छे हैं। चलो सारे रूल्स इसमें भी लिखे गए हैं, बहुत सारे रूल लिखे गए हैं जो जो आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है। चलो अब इस पर देखो ये इन्होंने लिख के दिखा बिल्कुल। चलो अब क्या है बच्चा जी आपसे क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। चलो जो भी हो गए एग्जाम्पल हैं जो भी हैं करना तो सब कुछ है आपको। आप इनको देखो तो रोमन में लिखो कैमरा महाराज आप सही रहिए। लिखिए निम्नलिखित रोमन संख्या को, मैं लिखे संख्या को इनको और इनको लिख लिया अपने रोमन में। चलो बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, पहले 17 बच्चा कैसे लिखेगा 70 कैसे लिख सकता है। ओहो सर 9 अलग बिल्कुल। अब सर क्या एल एक्स एक्स 9 को तो आई एक्स लिख सकता हूँ, क्या बात है सर क्या बात है। चलो क्या आपके भी आंसर इतना आया सर 79 का और ये 98 का आया ना बच्चा जी। आया सर, बच्चे अच्छे हैं बना लिए। चलो अब देखो इनको भी प्रयास नहीं करना है, लिखना ही लिखना है। ये मेरे बच्चे जरूर लिख लेंगे, आप इनको लिख लीजिएगा। अब इनका हिंदी लिखना है, जैसे संख्या रोमन में है तो इसको इंग्लिश में लिखना है, तो ये भी लिख लेंगे आप। हो गया बच्चे कर लेंगे, कर नहीं लेंगे बच्चे ने कर लिया, तुरंत करना है इसको, कर लिए अपने। हाँ सर इतना सिखाने के बाद बच्चा नहीं करेगा। जा चैप्टर ख़त्म हो गया रोमन अंक वाले, लेकिन सर मानेंगे कहाँ, सर आपको और क्वेश्चन कराएंगे रोमन अंक से। चलो बनाओ मेरे शेर जल्दी कर लो, एक राउंड में जितने क्वेश्चन दिए गए 1 2 3 सबको 12 क्वेश्चन है, 12 को भी सॉल्व कीजिए। कर लिया बच्चों ने, हाँ सर कर लिया। तो देखो आंसर मैच कर लो, क्या आपके आंसर 12 का मैच किया सर किया। चलो अब इनके कर लो, निम्नलिखित संख्या को रोमन अरबी के संख्याओं को दशमलव अंक में लिखे दशमलव अंक में, इसको कितने क्वेश्चन है 10, सब क्वेश्चन लिख लो, सबको बनाओ, 10 क्वेश्चन लिख के बना लो। बना लिया बच्चों ने, हाँ सर बना लिया। तो बना लिया तो अब मेरे बच्चे इसको मिला लेंगे बच्चे, हल भी है सर के पास, हल भी है, ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे हैं तो चलो आंसर मैच कराते हैं, बच्चे का डाउट क्लियर हो जाए। मैच हो गया बच्चे, मैं आपको ये भी सब क्वेश्चन करा दे रहा हूँ साथ में। चलो अब इसके एक्सरसाइज भी क्वेश्चन होंगे जरूर कर लेना आपको, रोमन नंबर भरना है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, सबको रोमन अंक भरना है, भरो तो जल्दी से। 140 को कैसे लिखो रोमन में, सबको रोमन में लिख के ट्राई कर लो, इतने क्वेश्चन अभ्यास कर लो मैथमेटिक्स में बचाइए, कुछ भी ना छूटे आपसे। कर लिया आपने सबका, हाँ सर हो गया। तो इनके आप क्या कीजिए, थोड़ा आंसर मैच कर लीजिए, बच्चों के पास आंसर भी मैच होने चाहिए ना। चलो इतने क्वेश्चन थे ना, सबका मैच कर लो। हो गया बच्चा जी, दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है, नहीं हो रहा सर, नहीं होगा बच्चा जी, क्योंकि देखो आपको सारे कंसेप्ट सिखा दिया गया। अब इस पर इतने क्वेश्चन करा देते हैं कि बच्चा बोलेगा सर बस कीजिए, कितना सर अब कितना। चलो इनको भी कर लो रोमन अंक में, सबको कर लो, ये सारे क्वेश्चन है, हो गया बस। 2 वाले का किस किस को बनाया आपने, 2 को आपने बनाया, आपने 3 वाले को बनाना है, आपने 4 को बनाना है और आपने 5 वाले को बनाना है, इतने टॉपिक आपको सिखाए गए थे। क्लियर है बच्चों जी का, बन गया होगा ना, बन गया होगा सर। क्या इसके आप आंसर की देखना चाहेंगे अपने संतुष्टि के लिए कि बच्चों जी आपके आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं, कर लो क्यों ना कर लो। चलो मैच कर लो, 2 वाले का आंसर देख लो सब इधर है, 3 वाले का आंसर मैच कर लीजिए, 4 वाले का आंसर मैच कीजिए और 5 वाले का भी आंसर मैच कर लीजिए, बस इतना ही सर। आ सकते थे ना, हाँ 5। तो रोमन अंक मुझे लगता है बच्चा जी आपके NCERT में जितना दिया था उससे मैंने कई गुना ज़्यादा पढ़ा दिया, कि बच्चे को ये फील ना है कि सर हम बिल्कुल ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और बहुत कम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा फील नहीं आने देंगे। इतना क्वेश्चन बनेगा, इतने क्वेश्चन बचेगा कि बच्चे खुश हो जाएंगे सर। मुझे लगता है कि जब मेहनती बच्चे होंगे अच्छे खुश होंगे,
कोई बच्चा इस लेक्चर को वन शॉट में ख़त्म करने की कोशिश मत करना कि सर हम एक ही वीडियो में ख़त्म करें, कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से धीरे धीरे, मेरे ऑफलाइन के बाद इस वीडियो को दो तीन दिन पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, क्या जल्दी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। चलो अब हम आगे रोमन अंक करा दिए हूँ तो अब आ गया हूँ इधर। जो आपको कुछ सिखाए थे क्या, कहते कि वेजल्स कंटेन है जिसमें एक भरने वाला बर्तन है जिसे 5 ml और इतना ml भरा है और डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग सेम चिल्ड्रन इज चाइल्ड गेट्स और बच्चों में बांटना है और 125 ml सब बच्चों में देना है मिल्क, तो कितने हम स्टूडेंट को दे सकते हैं। देखो हमको दिया गया था इतना ml और इतना ml, ठीक, इसको जब मैं कन्वर्ट किया तो इतना हो गया, सॉरी 5 लीटर और इतना ml था, तो मैंने लीटर को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, मिलीलीटर में, क्योंकि बच्चे जी यूनिट सेम होना चाहिए, विदाउट यूनिट सेम आप नहीं कुछ कर सकते हो, तो लीटर को अपने मिलीलीटर में चेंज किया, 1000 से गुना करके सिखाया गया था सर। अब सारे ml में हो गए, अब सबको ऐड कर लो, इनको और इनको, ये 5000 हो जाएंगे ml और ये 625 ml, टोटल इतना ml हो गया। अब बच्चा जी आपसे इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है टोटल मिल्क बच्चों में, तो कितने बच्चे होंगे, देखो इतना है और टोटल मिल्क कितना, इसको टोटल मिल्क कितना होगा बच्चों के लिए, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए क्या करना बच्चे इसमें, और एक बच्चे के लिए कितना था 125, उसे डिवाइड कर दो, कर देखो ml से ml कट जाएगा। अब इसको इसको डिवाइड करोगे तो पहले मैंने इसको 5 से काटा है तो इतना कटा, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 5 25 और इतना, फिर इसको 5 से काट दोगे तो ये कट जाएंगे आपके 45 टाइम पर, यानी आप बच्चे जी 45 चिल्ड्रेन को 125 ml आप दूध पिला सकते हैं, कितने छात्र को, 45 स्टूडेंट्स को। अगला सवाल का तो सॉल्व द फॉलोइंग विद वैल्यू ब्रैकेट के यूज करके बनाइए, बने इसको बन जाएगा ना, कहता कि इतना गुना इतना और इतना गुना, सर इसको अब गुना तो करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन गुना नहीं करना है आपको, तो ब्रैकेट यूज करना है अपने नियम के हिसाब से। चलो दोनों को सॉल्व करते हैं दोनों को, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चलो पहला क्वेश्चन है बच्चा जी इतना, मैंने बोला ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट किस में लगाओ, आप देखो इसको जब 100 + 5 लिखोगे ना तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अब आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूट नियम, एक बार इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसी से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, सर कितना अच्छा कंसेप्ट है, बस इनका मल्टीप्लीकेशन ये आएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ये आएगा, सम कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपकी काम फिनिश, आपके आंसर आ गए। दूसरे क्वेश्चन को अपने बना लिया होगा, चलो बच्चे इस बार तो 98 है सर, क्या करें, रोना आ गया। अरे बच्चे रो मत, 98 है तो क्या आप 100 - 2 नहीं लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं सर, बस फिर से इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2700 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 54, सबट्रैक्शन कर दो छोटा सा, हो गया सर आंसर। अपने कहीं ना कहीं ब्रैकेट यूज करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे बच्चा जी, क्या मैं आपको एक बन दू पढ़ाया कि नहीं है, कराऊंगा आज आपका पूरा ही चैप्टर ख़त्म कर देंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे बच्चे एस्टिमेट वैल्यू, कहते एस्टिमेट द सम, इसका इसको जोड़ें और इसके सम एस्टिमेट करें, इसका आंकलन करें, इसके नियरेस्ट में 100 तक आंकलन करना है, तो पहले जोड़ लें, जोड़ने पर इतना आया ठीक, और सॉरी इनके 100 तक, तो देखो इकाई दहाई दहाई 7 है, 5 से ज़्यादा है तो ये बढ़ जाएगा 300 हो जाएगा, यही कंसेप्ट सिखाए थे, इकाई दहाई 5 से छोटा है ये दोनों 0 हो जाएंगे, क्या सर 400 बच्चों का आंसर आया था क्या सर, हाँ सर आया था, बहुत अच्छे बच्चे, मेरे बच्चे सीख रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। चलो अगला क्वेश्चन कहता 2 मीटर और 10 सेंटीमीटर इस क्लोथ रिक्वायरमेंट, हाँ कपड़ा है चलो, और ठीक है, और इनको कहता कि बच्चे जी हाउ मच क्लोथ, कितने कपड़े होंगे जो नीडेड टू स्टिच 45 शॉर्ट। हम पहले तो बच्चे ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, दोनों को सेम यूनिट बनाएंगे, ठीक है सर, चलो बनाते हैं इधर, मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई, और 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी था, ये भी सेंटीमीटर, अब आसानी से दोनों ऐड हो जाएंगे तो 210 हो जाएगा, 210 हो गया, सेंटीमीटर में आ गया। अब बोलता है बच्चा जी हम 45 शॉट बनाना है, देखो चूँकि एक शॉट के लिए इतना सेंटीमीटर लग रहा है तो हमको 45 शॉट तैयार करना है, तो कितने सेंटीमीटर, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दो ना सर, इतना आएगा, मल्टीप्लाई भी यहाँ करके देखा हूँ, रफ में किया हूँ, अब भी रफ में करके देख लेना, 210 में से इतना आया, इसलिए 94 मीटर। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन अधूरा है क्या, मैं क्वेश्चन ही अधूरा लिख के लाया हूँ क्या प्यारे जी,
कहता हाउ मच क्लोथ नीडेड टू, चलो अच्छा ठीक है सर, सेंटीमीटर में इतना आएगा, सॉरी सेंटीमीटर में इतना है ना। अच्छा सर इसको मीटर में हम बताना तो क्या बताएंगे, तो मीटर में बताना होगा या तो आंसर ये हो जाएगा। मीटर में बताओगे तो भैया देखो इसको हम कह देंगे 94 मीटर, देखो 94 से है ना, तो पहले 9400, पहले 9000 पढ़ लेते हैं, तो 94 से, सॉरी 94 से पूरा पढ़ लेंगे, तो 94 मीटर और इसको हम क्या लेंगे सेंटीमीटर, तो भी हो जाएगा क्योंकि 94 मीटर का मतलब हो गया 9400, 100 से गुना करेंगे, सही बात है, यही आंसर हो, यही आंसर मीटर में इतना इतना आएगा 94 मीटर, यानी इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 94 9400 को, तो ये 94 कर दो और 50 सेंटीमीटर में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि इन दोनों को फिर से ऐड करोगे तो यही आएंगे सेंटीमीटर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भले सॉरी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एस्टिमेट द डिफरेंस इतना और इतना, पहले इसके डिफरेंस होगा एस्टिमेट करने पर क्या आगा, तो आकलन करो, ये 5 से 12 और कितना तक बची 100 तक, ये 5 से 12 है तो कितना हो जाएगा 6, इसको बढ़ा दो 700 हो जाएगा, ये 5 है तो भी बढ़ जाएगा 300 हो जाएगा, क्या बात है सर कितना अच्छा सिखा दिए हैं आप सर, दिल से प्रणाम, खुश रहें बच्चे मेरे, खुश रहें बच्चे, बहुत अच्छे, चलो लगे रहें। चलो अब सर कराएंगे बिहार बोर्ड से भी क्वेश्चन इसके आधार पर, कराएंगे बिल्कुल कराएंगे। चलो पहले कुछ बातें लिख लेते हैं कि सर एक अंक की छोटी संख्या होता है एक होता है, दो अंक की छोटी संख्या सर 10, एक अंक की छोटी संख्या 1, दो अंक की छोटी संख्या 0, एक अंक की बड़ी संख्या 9, दो अंक की बड़ी संख्या 99। आप एक रिलेशन देख रहे हैं, एक अंक की छोटी संख्या जो एक अंक की बड़ी संख्या 9 है उसमें एक जोड़ने पर दो अंक की छोटी संख्या मिल जाती है, दो अंक की बड़ी संख्या है इसमें एक ऐड करेंगे तो 3 अंक की छोटी संख्या मिल जाएगा। क्लास 4 में आपको पढ़ाया गया था सर, हम क्लास 4 में बहुत बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे सर, बिल्कुल पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था, अब आएगा सर क्लास 4 के लिए भी कुछ सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ सारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ यूट्यूब पर क्लासेस आए। चलो मैं देख रहा हूँ कि दो अंक कुल संख्या जो होता है ये सब होते हैं, ठीक है सर। अच्छा दो अंक कुल संख्या कितनी होती है, चलो 99 तक जाओगे ना सर, उसमें से एक अंक की छोटी संख्या कितना होता है 9 को होता है, घटा लो तो दो अंक की कुल संख्या कितना होता है 90 को होता है, जोड़ के देख लेना 10 11 12 सब 90 को आएंगे, कितना आएंगे। तो चलो दो अंक की बड़ी संख्या में इसका कैसे निकालते हैं हम, तो दो अंकों की बड़ी संख्या में से एक अंक की छोटी संख्या घटा लेंगे तो आ जाएगा, तो दो अंक की बड़ी संख्या क्या है 99, एक अंक की बड़ी संख्या क्या होती है, तो अब निकाल सकते हैं सही। अब आपसे पूछा गया 3 अंक की कुल संख्या कितना होगा, यही फार्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा, यही फार्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा। दो अंक की कुल संख्या निकालने के लिए अपने क्या किया, दो अंक की बड़ी संख्या में से दो अंक की जो एक अंक की छोटी संख्या घटा दिया, अब 3 अंक की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बस 3 अंकों की, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या में से दो अंक की छोटी संख्या घटाएंगे ना, हाँ दो अंक की बड़ी संख्या घटाएंगे, 3 अंक की बड़ी संख्या ये दो अंक, ओह सर 900 आएगा, बिल्कुल 900 आएगा चेक कर लेने का, 900 होंगे, 100 से लेके 3 अंक चाहिए ना संख्या, 3 अंक कितना कितना, तो 100 से जोड़ लो 1000 तक 900 ही संख्या आएंगे। चलो अब देखो दशमलव पद्धति में 7 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी सर, तो यही नियम सर, यही नियम सर, यही नियम सर। चले अब मैं बोला हूँ स्वयं करके देखें, आपको दिया गया होगा तो एक बार लाते हैं बच्चों के लिए क्या है, चलो क्वेश्चन है बच्चा जी कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, बस वही बच्चा जी, तो 5 अंकों की कुल संख्या में से क्या कीजिएगा, जो 5 अंकों की बड़ी संख्या में से 4 अंक की छोटी संख्या घटा देंगे, 5 अंकों की बड़ी संख्या घटाएंगे तो इतने संख्या आ जाएंगे, सीख लिया अपने इसको। चलो सर अब कह रहा है सर क्वेश्चन में इधर पूछ रहा है कि 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, बनाओ बनाओ बनाओ, ये तो EW है तो बनाओगे EW। सर आपने प्रश्नावली 1.1 के बारे में कराने वाले थे, आपने पिछले जब मैं होमवर्क में दिया था हमने बना लिए थे, तो मिला लो बच्चा जी, मैं अब आपको मिलवाता हूँ, अल्पविराम आप लगाना सीख लिए थे, मैं देखूँ क्या क्या टॉपिक कवर हो गया, ये सब तो हो गया। अब देखो भैया जी कुछ ये क्वेश्चन दिया था स्वयं कर देखें, ये भी कराता हूँ साथ में आपके प्रसारित अंक लिखने वाला, उसके बाद आपको चैप्टर भी करा देंगे, ये सब करा दिया, देखो ये सब सारे कवर करा दिया हूँ, ये सब करा दिया ना क्वेश्चन सर, हाँ करा दिया। अब क्या करना है भैया जी आपको, तो अब करा देने हैं आपको मुझे, हम जैसे प्रसारित रूप कैसे लिखते थे, एक्सपेंडेंट फॉर्म आपको पढ़ाया गया था लेकिन फिर भी एक बार दिया है बुक में, तो यहाँ से भी कराते हैं, लेकिन देखो इससे यहाँ दिया है 80,000, तो 80,000 क्या होगा 8 गुना 1000 से कर दो,
लेकिन 85,850,000 कैसे लिखेंगे, तो 850,000, ठीक है सर। ऐसे ही इसको लिखो, लिख दिया सर, इसको लिख दिया हूँ सर। अब देखो दो तो बुक में बना दिया था, दो तीन मैं बना दिया हूँ, बाकी आप इसको 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 बना लें खुद से, ठीक है। इनका सिर्फ प्रसारित रूप लिख देना आपको, और कुछ टेंशन नहीं है। चलो हो गया। अब देखो एक यहाँ पर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, प्रभु की 9+1 10 होता है, 99+1 100 होता है, ये प्लस इतना होता है, इस एक टर्म सिखाएगा आपको, तो इसको मैं भर दिया हूँ, अपने बुक में भर लीजिएगा। 110 नहीं 1000 सैकड़ा, ये सब कुछ बातें बोले याद रखे तो आप इसको याद रखिएगा। कुछ भी बुक में आपसे बोला गया है रिमेम्बर करने के लिए, तो आप ज़रूर इसको रिमेम्बर रखेंगे, याद रखेंगे। हो सकता है आपकी भलाई के लिए हैं तो बिल्कुल। हम स्थानीय में पढ़ा दिए थे क्या बच्चों को, इंटरनेशनल से पढ़ा ही दिया हूँ। चलो अब प्रश्नावली की हम बात कर ले। चलो ये क्वेश्चन पूछा गया, कहा था कि बताइए आप कि कितने लाख 1 मिलियन से बनता है, तो 10 लाख 1 मिलियन बनता है। कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है, तो 10 मिलियन 1 करोड़ से बनता है। 1 मिलियन में कितने मिलियन के बराबर होते हैं, तो 1 मिलियन इतने मिलियन के बराबर होते हैं। 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहते हैं, तो 10,000 कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी, 10,000 कहते हैं। चलो इसको भर लिया क्वेश्चन को, हाँ सर हो गया। अब बच्चे जी प्रश्नावली 1.1 जो आपको दिया था होमवर्क में, अब मैं इसको कराता हूँ। 1.1 ख़त्म होगा अब। चलो ये तो आपने कर लिया था ना बच्चे जी पिछले वीडियो में। चलो अब मिला लेते हैं। देखो आपसे बोला गया था कि भाई 1 लाख में कितने हज़ार, तो देखो बच्चा जी मैंने बोला 1 लाख में तो पहले 1 लाख लिख लो, 10,000 बोला ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 10,000। अब देखो इसमें कितने जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, और आपके 10,000 में कितने जीरो होते थे, 1, 2, 3, 4, एक जीरो कम पड़ रहा ना, तो 1 पर 1 जीरो से गुना कर दो, यानी 1 पर 1 जीरो, यानी इतने हैं 10 10, यहाँ क्या भरेंगे हम 10,000, सिर्फ 10 भरेंगे, क्या भरेंगे 10, ठीक है सर। अब देखो दोनों बराबर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 इधर 5, तो 1, 2, 3, 4, एक और ले लो 5, अब बराबर बड़ा हो जाएगा, यानी कितना से गुना करना पड़ा 10 से, तो इसमें क्या भरेंगे, रिटर्न में 10 भरेंगे सर। अब पूछ रहा आपसे कि 1 मिलियन कितने 100,000 हो जाएंगे, तो 1 मिलियन पहले लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 10,000, 10,000,000, 10,000,000, 1, 2, 3, 4, 5, 10,000,000, 10,000,000 करोड़। 1 मिलियन में इतना ही होता है ना बजे, ये गलती हो गया क्या, 1 मिलियन कितने बोलते हैं बजे, 10 लाख को, 10 लाख को बोलते हैं ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 10,000,000, 10,000,000 करोड़, 1 जीरो ज़्यादा हो गया है, 1 जीरो बच्चे जी ज़्यादा हो गया है। चलो ये हो गया 1 मिलियन। अब हमको 100,000 में करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 10,000, 100,000 में कितना 100,000 होगा, तो पहले बच्चा जी 1, 2, 3, 4, 5, 10,000,000,000। चलो आहा, तो मैंने 100,000 कर दिया ना सर, पहले 100,000 लिखा था शायद, 100,000 पहले इधर लिख दिया था, ठीक है सर, पहले मैं सही लिखा था। अब इधर क्या लिखना, मिलियन 1, 2, 3, 4, 5, 10,000,000,000, 1 मिलियन हो गया। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 चाहिए, हो रहा है 1 जीरो ज़्यादा ही था क्या, 1 सेकंड में चाहिए, पहले ही सही था, थोड़ा वेट कीजिए, कन्फ्यूज रहे सर, 0 ज़्यादा लिख दिया था ना पहले, मैंने ध्यान नहीं, काउंटिंग शायद नहीं किया होगा, इसके लिए सब हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 10,000,000, 10,000,000, ठीक है सर, 1 मिलियन, ये 1 मिलियन हो गया, और हज़ार बोला है, हज़ार में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 10,000, ठीक है सर। अब कितना 100,000, कितना 100,000 करें, तो भाई देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 1 जीरो कम पर है, तो यहाँ पे 10 से गुना करें, यानी 10,100,000 जो होता है 1 मिलियन के बराबर होता है, कोई डाउट सर, नो सर। चलिए अब 1 करोड़, 1, 2, 3, 4, 5, 10,000,000, 10,000,000 करोड़, 1 करोड़। अब लाख में तो गिनती करो, 1, 2, 3, 4, 5, 10,000,000,000, ठीक है सर, 1, 2, 3, 4, 5, 10,000,000,000, 10,000,000, 1, 2, 3, 4, 5, 10,000,000,000, 10,000,000, 10,000,000 हो गया, ठीक है सर। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 जीरो कम, यहाँ भी सर 10 ही कर देंगे तो काम हो जाएगा। अब देखो दोनों बराबर हो गया, 1 करोड़ में कितने मिलियन, तो भाई 10 मिलियन, सब लोग जानते हैं 1 करोड़ जो होते हैं 10 मिलियन के बराबर होते हैं। काश मेरे बच्चे की कृपा से 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते तो हम लोग कितना बड़ा